हेलो एवरीवन। सो IIT JAM 2024 के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं और आज से ही इसकी अनाउंसमेंट हुई है। आज टीचर्स डे भी है, तो इस ऑस्पिशियस डे पे आपके लिए फॉर्म्स उन्होंने आउट कर दिए हैं। एग्जाम डेट भी आउट हो चुकी है और वो है 11th फेब। आई डोंट नो व्हाट दे आर ऑब्सेस्ड विद द वैलेंटाइन वीक, बट हमेशा इसी डेट के आसपास होती है। तो 11 फरवरी आप लोगों का इम्तिहान है IIT JAM के लिए। तो अगर आप BSc थर्ड ईयर में हो या आप मास्टर्स में भी हो और आप IIT से मास्टर्स करना चाहते हो, तो दिस इज़ अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। सो डू नॉट मिस आउट इस वीडियो में। बहुत छोटा सा वीडियो जिसमें हम बात करेंगे कि फॉर्म फिल कैसे करना है। तो सिंपल सा, जाना कुछ नहीं है, IIT JAM फॉर्म 2024 पे जाना है, डायरेक्ट गूगल करना है और उसके बाद में ये जो दूसरी थर्ड पार्टी साइट है इसको छोड़ के सीधा आपने को जाना है जैम 2024 IIT मद्रास। सो एवरी ईयर अलग अलग बॉडीज होती है कंडक्टिंग ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट। यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट है इस साल वो है अपने पास में IIT मद्रास। और जैसे ही आप पोर्टल ओपन करते हो तो आपको लिखा जाएगा ऑब्वियसली वेलकम टू IIT जैम जैम 2024। और यहाँ पे अब दो ऑप्शन है आपके पास में। अगर आपने पहले कभी एग्जाम दिया है तो आपका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड होगा, लेकिन अगर आपने कभी एग्जाम नहीं दिया है और आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो आपको JOAPS पे, जो कि इनका पोर्टल होता है, पोर्टल सिस्टम, उसके ऊपर आपको लॉग इन करना पड़ेगा। तो ये JOAPS 2024 कैंडिडेट पोर्टल यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, इस पे जाके आपको काम करना है। नहीं, और अगर आपका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है तो आप रजिस्टर पे जाके डायरेक्टली अपना नया फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, अपन थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। सो जैसा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आज से स्टार्ट हुए, विच इज 5th सितंबर 2023, एंड लास्ट डेट, वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट डेट 20 सॉरी अक्टूबर 13th है। और काफी दिन है, मतलब ऑलमोस्ट इन्होंने आपको 38 डेज दिए हैं फॉर्म फिल करने के लिए। आई थिंक इतना काफी है यार, मतलब और कितना। उसके अलावा कुछ एडमिटिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह के बारे में, तो इस पर मैं एक डिटेल वीडियो लेके आऊंगा कि कैसे तैयारी करना है, तो उसके लिए कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल से अपन आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पूरा का पूरा एप्लीकेशन प्रोसीजर समझ लेते हैं एक बार। अगर हम आगे बढ़े तो पहले एप्लीकेशन है जिसमें आपको नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपना देना होगा। उसके बेसिस पे फिर आपको अपना टेस्ट पेपर चूज करना है। नाउ टेस्ट पेपर 7 अलग अलग सब्जेक्ट्स में है, बायोटेक हो गया, इकोनॉमी हो गया, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, केमिस्ट्री, तो उसके बेसिस पे एंड फिजिक्स। तो ये टेस्ट पेपर्स हो गए, एंड देन फिर द एग्जाम सिटी, आप कहाँ पे एग्जाम लिखना चाहते हैं, फिर फोटो, सिग्नेचर, 10th के स्टैंडर्ड मार्कशीट की कॉपी, डेट ऑफ बर्थ मैच करने के लिए, वो सारी चीजें। उसके बाद में अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। साथ ही साथ अगर आप डिसेबिलिटी में हैं तो पर्सन विद डिसेबिलिटी का फॉर्म भी आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। डिटेल सबमिट करने के बाद में आपको एप्लीकेशन फी पे करना होगी, और एप्लीकेशन फी पे करने के बाद में आपका डायरेक्टली यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। डेडलाइन अगेन आई एम रिपीटिंग 13th अक्टूबर है, तो प्लीज सेप्टेम्बर में ही फॉर्म भर के खत्म करना, लास्ट डेट तक नहीं रुकना है। फिर एडमिट कार्ड्स आपके 8 जन तक आ जाएंगे, वो सारी चीजें आपको JOAPS पे सारे मेल्स और वो सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी। टेक्स्ट भी आता है, मेल भी आता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्टिंगली एग्जाम डेट अभी से अनाउंस्ड है, जिसमें जो आपका केमिस्ट्री, जियोलॉजी और मैथमेटिक्स है उनका 4 नून में होगा बिफोर 12 PM, और आफ्टरनून में BT और आपके जो दूसरे सब्जेक्ट्स है, मैथ, स्टैटिस्टिक्स वगैरह और वो सारी चीजें, उनका अरेंजमेंट जो होगा वो आफ्टरनून में होगा, बायोटेक वगैरह, फिजिक्स एंड ऑल। सो 11th फेब इज द डेट, एंड द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड ऑन द 22nd ऑफ मार्च। मतलब अभी से तुमको पता है कि तुम्हारा रिजल्ट कब आने वाला है, वैसे एग्जाम से निकलते ही पता चल जाता है कि रिजल्ट क्या हुआ है, बट ऑफिशियल रिजल्ट अनाउंसमेंट विल बी ऑन द 22nd मार्च, और एप्लीकेशन जो फिर स्टार्ट हो जाएंगी आपकी 10th अप्रैल को। तो इसके बेसिस पे आप सारी चीजें कर सकते हो। बाकी दो तीन चीजें मैं और बता देता हूँ इसमें, अगर आपको और ज्यादा इसके बारे में जानना है तो यहाँ पे सारी चीजें। एक चीज ध्यान रखना कि ऑल इंडिया रैंक बेसिस पे आपका पूरे के पूरे जो सिलेक्शन होंगे वो होंगे। एडमिशन शेल बी गिवन एज पर दी ऑल इंडिया रैंक इन ईच टेस्ट पेपर ऑफ जेम 2024। और इसके अलावा एडमिटिंग इंस्टीट्यूट एक बार जरूर देख लेना कि कौन कौन से एडमिटिंग इंस्टीट्यूट इसके अंदर है। सो जितनी भी IITs है हमारी, 21 IITs इंक्लूडिंग IISc एज वेल, विच इज ऑब्वियसली नॉट IIT, तो अराउंड 3000 सीट्स आर देयर इन द पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन 21 IITs, ठीक है, तो उसके बेसिस पे आप इसमें देख सकते हो। और अगर आप और डिटेल में देखना चाहते हो कि कौन सी सीट्स अवेलेबल हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक हेयर करके एकेडमिक प्रोग्राम में जा सकते हो, कौन सा इंस्टीट्यूट आप देखना चाह रहे हो वो सारी चीजें आप यहाँ चेक कर सकते हो। फिर कौन सा आपका पेपर है, बायोटेक, केमिस्ट्री, इकोनॉमी, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, इसके बेसिस पे, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, उसके बेसिस पे आप सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक ऑल इंस्टीट्यूट एंड इफ आई टेक सपोज लेट्स टेक केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री से कितने सीट्स हैं, तो IIT भिलाई में 20 सीट्स अवेलेबल हैं। कौन कौन सी कैटेगरी के लिए, वो सारा इन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है। MSc इन केमिस्ट्री, जॉइंट MSc PhD भुवनेश्वर में है, फिर बॉम्बे में MSc इन केमिस्ट्री है, तो उसके लिए 57 सीट्स अवेलेबल है। यूजुअली सबसे ज्यादा सीट्स इस एग्जाम में केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के लिए ही है, फिजिक्स के लिए भी ठीक ठाक सीट्स हैं, और कुछ सब्जेक्ट्स में थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेटरी है, बट क्या करें, जो है वो यही है। तो उसके बेसिस पे आप सारी चीजें समझ सकते हो। प्लीज ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में नहीं भूलना है।
दीज आर द इम्पोर्टेंट डेट्स आपका एप्लीकेशन प्रोसीजर। तो जेएम ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम JOAPS का मतलब, ये वेबसाइट आज ओपन हो चुकी है, 13 तारीख तक ये खुली रहेगी, 8 तारीख को इसके एडमिट कार्ड आएंगे, 11 फरवरी को आपकी एग्जाम है, 22 मार्च को आपका रिजल्ट अनाउंस होगा, और अप्रैल 2 तारीख से आपका स्कोर कार्ड अवेलेबल हो जाएगा, और 10 तारीख से आपका एडमिशन पोर्टल ओपन हो जाएगा। इस स्लाइड को अभी देख लो, सिर्फ और सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपने अभी तक कोई तैयारी शुरू नहीं करी है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, हम लोगों ने बायोटेक खत्म कर दिया है हम लोगों के बच्चों का, तो अगर अभी तक आपने कोई तैयारी शुरू नहीं करी है तो भाई साहब ज्यादा दिन बचे नहीं है, ओनली 150 डेज आर लेफ्ट, और प्लीज थोड़ा सा सिंसियर हो और बहुत तगड़ी तैयारी शुरू करो, ठीक है? अगर और ज्यादा डिटेल चाहिए तो उसके लिए तुम व्हाट्सएप कर सकते हो या कॉन्टेक्ट कर सकते हो। कोर्स ज्वाइन नहीं भी करोगे तो हमको जितना पता होगा हम बिल्कुल तुम्हारी सहायता करेंगे, ठीक है? सो विद दैट नोट, आई आई थैंक यू ऑल, हैप्पी टीचर्स डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रेपरेशन। अच्छे से तैयारी करो और फिर जाओ IIT में मजे करो, बढ़िया करियर है उसके बाद में, कभी और बात करेंगे उसके ऊपर। थैंक यू।